हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील आप सभी को एस के सी टाइम्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नंबर एनालॉगी, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये जो है आपको पिछले वीडियो में होमवर्क के रूप में दिया गया था और आरआरबी 2007 में पूछा गया प्रश्न है, आपको बनाने के लिए दिया गया था। बहुत सारे बच्चे का कमेंट सही आया, बहुत सारे बच्चे का कमेंट गलत भी आया, तो उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसे अभी सॉल्यूशन करूंगा। दोस्तों सोल्यूशन करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी का चिन्ह को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप अपडेटेड रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं दोस्तों, कहता है कि 20 तो 11 तो 102 कितने के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ वाट की जगह पर क्या आएगा, ठीक है, 20:11 अनुपात में है तो समानुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 102 अनुपात इतना कितना के बराबर हो। फटाफट आंसर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है नंबर एनालॉगी की, जो कि एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस आरआरबी 2007 में पूछे गए भी हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखते हैं दोस्तों 20 है, यह 11 है, तो इसको किस तरह से इसमें संबंध बनाया जाए कि इसी तरह के संबंध वाट के स्थान पर रिक्त स्थान को भर सके। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों 20 है, ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों अगर हम 20 को, ठीक है, 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 20 को अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 में अगर 1 जोड़ देते हैं दोस्तों 11 मिल रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम 102 को, ठीक है दोस्तों, 102 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ जो दोस्तों 102 को अगर हम 2 से भाग देते हैं दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, 51 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसमें 1 जोड़ देते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 52 हो जाता है, यानी कि 52 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 52 आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी और सुंदर ट्रिक से आपको बताया गया है, तो आंसर्स क्या है दोस्तों, बी के साथ आंसर्स चला जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होमवर्क के रूप में था, जो आप लोग का बहुत सारे 49 किए थे, बहुत सारे 61 कमेंट किए थे, तो वो सारे गलत होंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 51 जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाता है स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है कि 365 90 तो 623 कितने होगा। ठीक है, और ये दोस्तों एसएससी एलडीसी में 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों इसका कमेंट करके आंसर दें, अपने कॉपी में बनाए और देखें इसका सॉल्यूशंस क्या निकल के आता है। तो यहां से देखेंगे दोस्तों क्या हो रहा है कि 365 90 है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें 6 3 9 9 5 9 5 14 14 5 नहीं निकल रहा है, तो इसमें कुछ ऐसा करेंगे दोस्तों कि 90 आना चाहिए, इसका तीनों का काम करके हमें 90 लाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर 3 × 6 × 5 किया जाता है तो यहां से देखते हैं 6 3 18 और 18 5 90 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों अगर इसे भी किया जाए 6 × 2 × 3 तो यहाँ से देख सकते हैं 6 × 2 = 12 और 12 × 3 दोस्तों 36 आता है, यानी कि हमारा आंसर्स ए के साथ चला जाएगा, जो कि 36 आंसर्स बिल्कुल सही होगा। तो बहुत ही सुंदर है दोस्तों, और ये एलडीसी में 2010 में पूछे गए प्रश्न है, और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें जो भी प्रश्न बताए जाएंगे सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि 248 3 तो 328 वाट के स्थान पर क्या होगा, और ये एसएससी एलडीसी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो फटाफट इसका तो दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि 248 3 लाया है, और दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है 328 वाट के स्थान पे क्या आएगा, ऑप्शन आपका 7 है 5 है 4 है एंड 6 है। तो फटाफट इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों 248 अर्थात 24 3 8 3 और 8 4 32 हो रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम 24 में 8 से डिवाइड दे दें, ठीक है, तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और उसी तरह दोस्तों अगर हम 32 को 8 से डिवाइड दे दें तो क्या आ रहा है दोस्तों 4 आ जाएगा ना, यानी कि हमारा आंसर दोस्तों सी के साथ चला जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की क्वेश्चन से, और इस तरह की क्वेश्चन इसी तरह से फटाफट बना सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से, बहुत ही आसान मेथड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चंस लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका कहता है 212, 436, 560, तो वाट की जगह पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 212, 436, 560, तो वाट की जगह पे क्या होगा, तो एसएससी एलडीसी 2010 में पूछा गया प्रश्न है, तो फटाफट इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके उत्तर बताएं। तो आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों, 212, 436, 560, तो यहां से देखिए दोस्तों क्या कहता है, इसका क्या किया जाए कि 436 लाया जाए। दोस्तों अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस लाते हैं, 436 माइनस 212, घटाइए तो अपने कॉपी में फटाफट, तो यहां से दोस्तों चार में से दो गया चार, तीन में से एक गया दो, और चार में से दो गया दो, अर्थात 224 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों 560 कितना में घटा दे कि 224 आएगा, आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों, अगर 784 लिया जाता है, 784 माइनस 560, तो चार में से जीरो गया चार, आठ में से छः गया दो, और सात में से पाँच गया दो, अर्थात 224। कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमारा आंसर जो दोस्तों सी के साथ चला जाएगा, अगर 784 में 560 घटाते हैं तो 224 आ रही है। तो जिस प्रकार से 436 में 212 घटाया गया, उसी प्रकार 784 में 560 घटाया जाता है दोस्तों, क्या होता है, 224 आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही आसान मेथड से बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को आप भी जरूर देखिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो है दोस्तों एसएससी एलडीसी 2010 में पूछे गए प्रश्न है, तो आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों, एक आठ है तो 27 क्या होगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, वाट की जगह पे क्या होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों क्या किया गया है कि वन का क्यू करते हैं दोस्तों, तो वन होता है, ठीक है, उसी प्रकार अगर दो का क्यू किया गया तो दोस्तों क्या हो गया, एट हो गया, ठीक है, और इसी को अगर दोस्तों यहाँ पे अगर तीन का क्यू किया गया तो क्या होता है दोस्तों, 27 होता है, और उसी प्रकार अगर दोस्तों चार का क्यू करेंगे तो क्या होगा, तो 64 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, 64 के साथ हमारा आंसर्स चला जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 64 के साथ आंसर्स चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, बहुत ही आसान मेथड से। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नई जोश नई एनर्जी नई मॉर्निंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, धन्यवाद।